सचिन टेलर कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उसी में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो है प्रोडक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट्स सी, फर्स्ट डिफाइन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। देन एक्सप्लेन इट फंक्शन, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कैसे फंक्शन, उसके फंक्शन क्या, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है फ्रेंड्स। मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं, मार्केटिंग मतलब सिर्फ सेल करना नहीं, मार्केटिंग मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है। मार्केटिंग बहुत ग्रैंड सब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ा पढ़े तो सुनो। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन अ ब्रॉड सेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटी है, याद रखना, फॉर द प्रोवाइडिंग गुड्स, अपना जो गुड्स है, जो भी चीज का बिजनेस करे, इट इज कॉल्ड गुड्स फॉर द बिजनेस। सो प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, यानी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब हम लोग जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स हमारे बिजनेस से प्रोड्यूस होने के बाद वो कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। वापस सुनो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है इन विच फॉर द प्रोवाइडिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हमने जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है हमारे प्रोडक्शन यूनिट से, उसको कहां तक पहुंचाना है, टू द कस्टमर, यानी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर तक जो भी ट्रांसफर करना है गुड्स, उसके बीच में बहुत सारी मतलब एक्टिविटी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो गुड्स प्रोड्यूस किया और कस्टमर को हमने बेच दिया, ऐसा नहीं, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, वो हम एक्चुअली सीखने वाले हैं। ओके, सिंपल वर्ड पता चला, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब जो भी गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें हमारे प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर तक पहुंचाने की एक्टिविटी मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट का मैनेज करना। ओके, सो फ्रेंड्स इसके फंक्शन के बारे में अगर पढ़े तो इसके चार ही फंक्शन है मेन, उसमें फंक्शन नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, अब व्हाट इज द प्रोडक्ट, कितनी बार एग्जाम पूछा जाता है नॉर्मली कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, एनीथिंग व्हिच प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बिजनेस में प्रोड्यूसर जो कोई भी चीज बनाए वो है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरे बिजनेस यूनिट में अगर पेन बनाऊ तो पेन इज अ प्रोडक्ट फॉर माय व्यू। अगर मैं फैन बनाऊ तो फैन इज द प्रोडक्ट। अगर मैं चौक बनाऊ, चौक इज द प्रोडक्ट फॉर मी। अगर मैं कपड़े बनाऊ, कपड़े मेरे लिए प्रोडक्ट है। मींस बिजनेस का ऑनर, बिजनेस में जो भी प्रोड्यूस करे वो सारा जो प्रोडक्शन है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन होगा वो जो बिजनेस करेगा उसके पीछे उसका मेन पर्पस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। यहां पर तो लॉट ऑफ करोड़ों अनलिमिटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या कि विच प्रोडक्ट वी हैव टू प्रोड्यूस, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है ये हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो मेरे एज अ बिजनेसमैन, मेरे हिसाब से मुझे अगर ऐसा लगे कि मैं अगर मैं कपड़े बना के उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचूं जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखे तो वो मेरे प्रोडक्ट है। मींस अलग अलग ओपिनियन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो प्रोडक्ट उसके प्रॉफिट के हिसाब से कितना बेनिफिशियल है वो डिसाइड करेगा। तो यहां पर कोई रिक्शा चलाएगा, उसके बाद वो सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस भी, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो सब अलग अलग जो भी होगा प्रोडक्ट होगा उसके लिए, बराबर। तो अगर हम सोचे कोई कपड़े का बिजनेस करेगा, कोई जूते चप्पल का बिजनेस करेगा,
कोई हेल्थ टीम का सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो फिर कोई बेल्ट बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाएगा, कोई खाने पीने की चीजें मतलब प्रोड्यूस करेगा। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कौन? मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि जिस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है या तो जिस चीज में मार्केट में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वही मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा। आप भी अगर मार्केट में कभी बिजनेसमैन बनोगे फ्यूचर में तो आपका भी मेन ओपिनियन क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, तो एक ही आंसर मिलेगा, जिसकी मार्केट में डिमांड है या तो जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वही प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है प्रोड्यूसर को, ताकि वो डिमांड को भी फुलफिल करे, उसका बिजनेस भी आसानी से इजी मैनर से चलता जाए और वो मैक्सिमम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा सके। क्लियर? सो सबसे पहले डिसाइड कर पड़ेगा प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, क्या व्हाट इज नेक्स्ट? तो प्रोडक्ट के बाद आएगा फ्रेंड्स प्राइस, कि जो चीज हमने बनाई उसको मार्केट में कितने रुपए में बेचना है। ओके, नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम वाला आ गया। तो मैं मेरा एग्जांपल हूं, मैंने सोचा कि मैं जो कपड़े होंगे रॉ मटेरियल होगा उसमें से मैं टेलर हूं, मैं उसको कटिंग करके अलग अलग साइज के पैंट या शर्ट बनाऊंगा। अब वो कपड़े रॉ मटेरियल जो कपड़े का जो पूरा वो होता है ना वो टाका, वो मैंने खरीदा, कटिंग किया, मैंने खुद कपड़े को स्टिच किया अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से, अलग अलग साइज के हिसाब से। तो एक पैंट या एक शर्ट की अगर बात करो, सपोज करो एक शर्ट रॉ मटेरियल से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके मशीन यूज किया मैंने, उसका डेप्रिसिएशन लेके से लेके सब कुछ, उसके ऊपर जो मेरा खर्चा आया इट इज कॉस्ट। तो एक शर्ट के पीछे मेरा टोटल कॉस्ट हुआ सपोज करो 500 रुपीज। अच्छा कपड़ा था इसलिए 500 रुपीज मेरा कॉस्ट आया। अब मेरे पास कितना ऑप्शन है सुनो, वही 500 रुपए का शर्ट मैं 50 रुपए प्रॉफिट कमा के 550 में बेच सकता हूं, मैं 600 में बेच सकता हूं, मैं 1000 में बेच सकता हूं, जैसे डिमांड उस तरह से। तो फ्रेंड्स प्राइस डिसाइड करना, एक प्राइस मैं डिसाइड करूंगा मेरा कॉस्ट प्लस कॉस्ट जितनी भी है उसके ऊपर सपोज करो 20% प्रॉफिट। तो अगर मैंने 500 रुपए मेरी कॉस्ट है और उसके ऊपर अगर 20% प्रॉफिट मुझे लेना है तो कॉस्ट 500, 20% अगर करेंगे 500 का तो 20% कितना होगा 500 का 100 रुपए। तो मैं वो सर 600 रुपए में बेचूंगा, एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेकेंड ऑप्शन मेरे लिए, मैं खुद डिसाइड करूंगा, कोई परसेंटेज नहीं कि भाई 500 का शर्ट है मुझे 700 में बेचना है, तो दूसरी प्राइस मैंने डिसाइड की। थर्ड प्राइस कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड मैक्सिमम है तो भले 500 रुपए का शर्ट है मैं चाहूंगा उसको डबल प्राइस 1000 रुपए में बेच सकता हूं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। सो सेकेंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिसाइड करना है कि प्राइस जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर या डिमांड इन द मार्केट उसके हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करेंगे। इसका काम है मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। लेकिन मार्केट की सिचुएशन सपोज करो कि मार्केट अभी डिप्रेशन में है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो आपको 500 का शर्ट 500 में भी बेचना पड़ेगा या तो मिनिमम प्रॉफिट से भी बेचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ओके फ्रेंड्स, so next one is the price, then after third distribution। मैंने प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी प्राइस कितनी रखनी है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि 500 रुपए का शर्ट उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, 100 रुपए प्रॉफिट, 600 रुपए में उसकी प्राइस रख दी मैंने। अब डिस्ट्रीब्यूशन मींस हमारे गुड्स को, प्रोड्यूस किए हुआ गुड्स प्रोड्यूसर से किस तक किसको पहुंचाना कस्टमर तक, उड़ते उड़ते तो सड़ जाने वाला नहीं। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मार्केट जो है मार्केट उसके हिसाब से देखें तो लोकल मार्केट है, रीजनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। तो मेरी जो प्रोडक्ट है
ओके उसका मार्केट कितना ब्रॉड है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर लोकल मार्केट है तो लोकली में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, जितना बड़ा मार्केट उतना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोड्यूसर से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं अलग अलग साइज के सपोज करके 100 शर्ट बनाऊंगा, 100 उसमें से 10 शर्ट लोकल मार्केट में मैं सेंड करूंगा, उसमें से 50 शर्ट मैं सूरत या तो बॉम्बे या तो अहमदाबाद ऐसा अलग अलग मार्केट में, ऐसे अलग अलग मार्केट में प्रोड्यूस किया गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना या तो होलसेलर या तो रिटेलर तक पहुंचाना इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम रेलवे यूज कर सकते हैं, हम हमारा पर्सनल ट्रक यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेंट पे हम ट्रक यूज करते हैं, गुड सर्विस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जितना ऑर्डर मिले उस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स अलग अलग लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में। ओके डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रमोशन। फ्रेंड्स अगर प्रमोशन की बात करें प्रमोशन तो सुनो हमारा जो गुड्स है वो कस्टमर को डिमांड करने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन मींस एडवर्टाइजमेंट लॉन्च, जिसको हम नॉमिनल क्या कहते हैं लॉन्च। कोई भी मूवी रिलीज होती है तो पता है अलग अलग रियलिटी शो में जाते हैं, कोई कपिल शर्मा के शो में वो हीरो हीरोइन जाते हैं, प्रोड्यूसर जाते हैं, डायरेक्टर जाते हैं, तो कोई अलग अलग डांस शो में अलग अलग सिंगिंग शो में वो जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो लोग वहां पे जाते हैं। क्यों? उनकी जो मूवी है या तो उनका कोई भी नया सीरियल है उसका प्रमोशन करने के लिए, फिर वहां जाएंगे फिर बोलेंगे हमारी नई मूवी अगले फ्राइडे को अगले ये सेट ये आ रही है जिसका नाम ये है आप जरूर देखिए ये करिए वो करिए, समझ गए आप। सो इट इज अ प्रमोशन। वो आए शो में हमने देखा टीवी तब हमें पता चला कि उनका नया मूवी आने वाला है, हम इंस्पायर हुए देखने के लिए और जब भी मूवी आएगा हम वेट करेंगे कब मूवी आए और कब हम देखने जाए, ऑटोमेटिकली क्या हुआ एडवर्टाइजमेंट। सो फ्रेंड प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट होगा टीवी में न्यूज चैनल पे या तो न्यूज पेपर पे या तो इंटरनेट पे या तो फिर व्हाट्सएप पे या तो फिर फेसबुक पे, ऐसे अलग अलग तरीके से उसका क्या होगा प्रमोशन, ताकि कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर जो परचेस करने के लिए एग्री हो परचेस करने के लिए रेडियो वैसे कस्टमर को ढूंढना। तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट देखेगा टीवी पे या तो न्यूज चैनल पे या तो बड़े बड़े बैनर पे और वो क्या होगा इंस्पायर होगा उसको परचेस करने के लिए। सो इट इज अ प्रमोशन। तो प्रमोशन क्यों, कस्टमर अवेयर हो हमारी प्रोडक्ट से, हम उस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या मतलब काम किए वो चीजें वो सब वहां पे हम डिटेल में बताएंगे ताकि कस्टमर क्या करे इंस्पायर हो जाए परचेस करने के लिए। तो ही तो हमारा धंधा होगा, हम ये पूरी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, सिर्फ प्राइस डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसका प्रमोशन भी करना है। इसीलिए तो फ्रेंड्स आज नॉमिनल पार्ले जी जो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है जो इतने साल से आ रहा है, इवन कोलगेट जो नॉमिनल कितने सालों से मतलब यूज कर रहे लोग उसको भी आज एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, उसको भी आज प्रमोशन करना पड़ता है। उसका रीजन फ्रेंड एक ही है, कॉम्पिटिशन। और कंपटीशन में टिकना है तो प्रमोशन भी होगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगी और पब्लिसिटी भी होगी, सब कुछ होगा। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करना कि जो हमने प्रोड्यूस किया गुड से वो एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना, प्रोडक्ट कौन सी प्रोड्यूस करनी है वो डिसाइड करना, उसकी प्राइस कितनी है वो डिसाइड करना, उसको कहां कहां मार्केट में सेंड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, देन आफ्टर उसका प्रमोशन करना, ये जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आई होप ये मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पता चल गया होगा, सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट डिसाइड करो, प्राइस डिसाइड करो, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लो, देन प्रमोशन कर लो, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस मार्केट में टिका ना हो
तो ये प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी एक नया कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके बारे में सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूं, तब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।